चमगादड़ विश्व में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो पेड़ों पर उल्टा लटकता है और गुफा में उड़ते समय हमेशा बाई दिशा की तरफ मुड़ता है। चमगादड़ इंसानों के आसपास पुराने खंडरों, किलों व वीरान इमारतों में पाए जाने वाला वह जीव है जो दिखने में बेहद बदसूरत होता है और यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जिसे प्रकृति ने उड़ने के लिए बनाया है। इसका अंग्रेजी नाम बैट है। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चमगादड़ से जुड़े कुछ रोचक रहस्यों से रूबरू कराएंगे। साथ ही चमगादड़ों का घरों में रहना शुभ या अशुभ माना जाता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। बस आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। दोस्तों, चमगादड़ स्तनधारी जीवों में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा जीव है जो उड़ सकता है। एक चमगादड़ एक घंटे में 600 खटमल का शिकार कर सकता है, जो एक व्यक्ति के एक रात में 18 पिज्जा खाने के बराबर होता है। और यही नहीं, यह एक घंटे में 1500 छोटे कीड़े मकोड़े भी खा सकता है। चमगादड़ों के मल का उपयोग गन पाउडर बनाने के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें कि अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान ऐसा एक बार किया गया था। चमगादड़ों में एक ऐसी प्रजाति के चमगादड़ भी होते हैं जो केवल खून पीते हैं, जिन्हें पिशाच चमगादड़ बोला जाता है। एक पिशाच चमगादड़ एक दिन में अपने वजन के बराबर खून पी सकता है। दोस्तों, विश्व में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में चमगादड़ पाए जाते हैं। बड़े चमगादड़ों के पंखों की लंबाई 5 से 6 फीट तक हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक पूरी दुनिया में चमगादड़ों की कुल 1100 प्रजातियों को खोजा जा चुका है, जिनमें से अधिकांश प्रजातियां अमेरिका में पाई जाती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चमगादड़ों को प्रकृति के लिए बहुत हितकारी माना जाता है, क्योंकि चमगादड़ पेड़ पौधों के बीज व फलों को खाकर उड़ते समय बीजों को जंगल में फैलाते हुए जाते हैं, जिस कारण जंगल घने हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर सामान्य रहता है। 95% उष्णकटिबंधीय वनों का वनीकरण चमगादड़ द्वारा फैलाए गए बीजों से हुआ है। चमगादड़ की कुछ प्रजातियां लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। भूरा चमगादड़ लगभग 40 वर्षों तक जीवित रह सकता है। चमगादड़ों की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है, जिसमें 2 करोड़ के करीब चमगादड़ रहते हैं। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि चमगादड़ किसी व्यक्ति को काटे, लेकिन काट ले तो वह अगली बार उसी समय उस व्यक्ति को दोबारा काटेगा अगर वह वहां से गुजरता है तो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सांस लेता है। चमगादड़ इसी तरह से व्यक्ति की पहचान करता है। दोस्तों, मानव जाति को मिलाकर पृथ्वी पर जितनी भी स्तनधारी प्रजातियां मौजूद हैं, उनमें से 25% आबादी चमगादड़ों की है। कुछ छोटे चमगादड़ सोते समय उनके दिल की धड़कन 1 मिनट में 18 बार धड़कती है, लेकिन जब वे जाग जाते हैं तो ये गति 1 मिनट में 880 बार धड़कती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि चमगादड़ों की उत्पत्ति लगभग 6.5 से 10 करोड़ साल पहले यानी डायनासोर के समय की है। अब तक का सबसे पुराना चमगादड़ अमेरिका के येलोस्टोन में पाया गया जीवाश्म ब्योमिंग है, जो लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराना है। बम्बल भी चमगादड़ों की एक किस्म है, जो दुनिया में पाए जाने वाला सबसे छोटा चमगादड़ है। यह थाईलैंड में पाया जाता है। इसका वजन मात्र 215 ग्राम होता है। चमगादड़ों के सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जो एक बाल की हरकत को भी सुन सकते हैं। चमगादड़ 20 हर्ट्ज से लेकर 120,000 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यादातर चमगादड़ों की गुफाओं में मौजूद सभी मादाएं एक साथ बच्चे पैदा करती हैं। लगभग 100 चमगादड़ एक साथ मिलकर 25 गाय का खून पी जाते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि चमगादड़ रात को ही शिकार क्यों करते हैं। तो आपको बता दें कि चमगादड़ दिन के मुकाबले रात के समय ज्यादा खतरनाक होते हैं। असल में रात के शांत वातावरण में चमगादड़ प्रतिध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने भोजन यानी शिकार की तलाश आसानी से कर पाते हैं। अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को इकोलोकेशन कहा जाता है। चमगादड़ अपनी नाक व मुंह से ध्वनि तरंगे छोड़ते हैं, और जब यह तरंगे किसी भी वस्तु से टकराती हैं तो इको साउंड उत्पन्न होता है, और चमगादड़ इस इको प्रक्रिया को समझने में ज्यादा सक्षम होते हैं। इको की सहायता से चमगादड़ों को उनके शिकार के आकार व उसकी स्थिति की जानकारी हो जाती है, और यही कारण है कि चमगादड़ों को रात में ज्यादा दिखाई देता है। दोस्तों, अब एक अहम सवाल जिसके लिए शायद आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं कि चमगादड़ किसानों के करोड़ों रुपयों को कैसे बचाता है। तो आपको बता दें कि चमगादड़ों के विषय में एक सर्वे के अनुसार लगभग 140 बड़े भूरे चमगादड़ मिलकर एक गर्मी के सीजन में बहुत सारे ऐसे कीटों का सेवन करते हैं जो खीरों की फसल को नष्ट कर देते हैं। और चमगादड़ों के इन कीटों का शिकार करने के कारण किसानों के करीब 50 से 55 करोड़ का नुकसान होने से बच जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में पशु पक्षियों के शुभ अशुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो हमें हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के प्रति संकेत देते हैं, और उन्हीं में से एक है चमगादड़। दोस्तों, प्राचीन काल से ही चमगादड़ का घर में होना अशुभ माना जाता है। चमगादड़ का किसी भी घर में दिखाई देना कई तरह की परेशानियों की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी घर में चमगादड़ प्रवेश करते हैं
तो हो सकता है कि आने वाले समय में उस घर के मालिक को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े। चमगादड़ का घर में घुसना धन की हानि या कर्ज में वृद्धि की ओर संकेत देता है। इसी घर में चमगादड़ का बार बार आना उस घर की जमा पूंजी की हानि होने की ओर इशारा करता है, इसलिए दोस्तों इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों चमगादड़ को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी को हमने गूगल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर आपको सहजता से बताया है। इसमें हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।